दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल टेक्निकल बकबक को और बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए जिससे हमारी हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्विटर ने 140 कैरेक्टर की लिमिट को बढ़ा के कर दिया 280 कैरेक्टर, यानी अब आप ट्वीट कर पाएंगे 280 कैरेक्टर का। हालांकि ये सुविधा अभी बीटा वर्जन में उपलब्ध है, आप सभी एक या दो ट्वीट करके आप इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से यूज में इस साल के अंत तक आ जाएगा। पहले इसकी लिमिट 140 थी कैरेक्टर थी, लेकिन जापानी, चीन और कोरियाई लैंग्वेज में इसको 140 ही रहने दिया गया है, क्योंकि इन भाषाओं में लिखने के लिए बेहद कम कैरेक्टर की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ एक और गुड न्यूज आई है, डिस्प्ले नेम जो पहले 20 कैरेक्टर का था वो 50 कैरेक्टर का कर दिया गया है। दोस्तों मैं बता दूं कि डिस्प्ले नेम ओ नेम होता है जो URL में नज़र आता है, पहले ये सिर्फ 20 कैरेक्टर तक ही लिमिट थी, अब इसको 50 कैरेक्टर कर दिया गया है। उम्मीद है एक जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलूँगा कुछ नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय दोस्तों।